वहीं दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में एक बार फिर अनाज टीवी की खबर का असर हुआ है। ग्राम पंचायत कोटखेड़ा में राशन की कालाबाजारी और अनाज की गुणवत्ताहीन खबरों को लेकर अनाज टीवी ने प्रमुखता से प्रचार किया था। खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया है और मौके पर जाकर राशन की गुणवत्ता के साथ गबन किए हुए अनाज की भी जांच की है। जांच के दौरान पाया गया है कि गरीब कल्याण वाला राशन जो कि बिल्कुल निशुल्क होता है वो राशन गरीब जनता को नहीं दिया जा रहा। जांच अधिकारी मोनिका बागमारे का कहना है कि जितने भी आसपास के इलाकों से आए हुए ग्रामीण लोग हैं उन्हें पात्रता पर्ची में अंकित मात्रा से कम राशन दिया जा रहा है। इसकी जांच रिपोर्ट और पंचनामा बनाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो कई महीना से राशन नहीं मिला सर, और हम तो जैसे चाहे मजदूरी कर को घर चला रहे, अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं, और ये लोग कहते हैं कि राशन आपको नहीं दिया जाएगा, आपकी पर्ची रिजेक्ट हो गई है। तो हम सर कुछ निवेदन है यही कि आप हमको राशन मिलना चाहिए। समस्या में जाकर राशन नहीं मिली, साल हो गए जब से कोर्ट खड़ा में आया है, जब तक बड़ा तरह मिलता रहा उधार ले रखा रहा है। यहाँ पे तीन चार गांव के लोग इकट्ठा थे जिनका ये कहना है कि हमको जितना मिलना चाहिए मैम उचित कार्रवाई क्या की जाएगी वरिष्ठ अधिकारी को दे दी जाएगी।